हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। मेरा एक कंप्यूटर से रिलेटेड ग्रुप है जहां पर आप ही जैसे लोग क्वेश्चंस पूछते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, जो उनकी प्रॉब्लम होती है मैं उनका आंसर देता हूं। लेकिन कल एक बंदे ने काफी यूनिक क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन दोस्तों ये था कि अगर आप i3 के साथ एक डिसेंट ग्राफिक्स कार्ड पेयर कर दें तो आपको काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस गेमिंग में मिलने लगता है, ठीक है, लेकिन तो फिर लोग i5 क्यों खरीदते हैं? काफी अच्छा क्वेश्चन है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि गेमर्स i5 क्यों लेते हैं, i3 रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं। वेल, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस बारे में तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को जरूर दबाएं। जिस टॉपिक पर आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं उससे केवल दो टॉपिक हैं। पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको i3 में डिसेंट परफॉर्मेंस क्यों मिल जाता है। दूसरी चीज कि गेमर्स i3 रिकमेंड क्यों नहीं करते हैं, वो i5 और i7 पर क्यों जाते हैं। तो यहाँ पर टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, आप अगर एक पर्टिकुलर टॉपिक पर इंटरेस्टेड हो तो आप वहां पर डायरेक्ट जाकर स्किप कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये सिमिलर परफॉर्मेंस की बात कहाँ से आती है। दोस्तों कोई भी प्रोसेसर हो, अगर आप पेंटियम्स को छोड़ दें, अगर आप i3, i5 या i7 मॉडर्न टाइम्स के कोई भी प्रोसेसर ले लें और फिर अगर आप उसको 1050 Ti या 1060 जैसे ग्राफिक्स कार्ड के साथ पेयर कर देंगे तो मैं मानता हूँ आपको तीनों ही प्रोसेसर के अक्रॉस जो परफॉर्मेंस है वो सिमिलर मिलेगा। मतलब कि अगर आप 1050 Ti या 1060 i3 के साथ पेयर करते हैं या i7 को 1050 Ti 1060 के साथ पेयर करते हैं, आपको दोनों प्लेटफॉर्म पर ही जो परफॉर्मेंस मिलेगा वो बिल्कुल सिमिलर मिलेगा। ऐसा दोस्तों इसलिए हुआ क्योंकि जो मॉडर्न प्रोसेसर हैं वो आपको परफॉर्मेंस काफी डिसेंट ऑफर कर देते हैं, तो आपको गेमिंग में ज्यादा परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलेगा ही नहीं। ज्यादा तो छोड़िए, मैं कहता हूँ बिल्कुल आइडेंटिकल परफॉर्मेंस मिलेगा। तो यहां से एक चीज ये बात उठती है कि जब परफॉर्मेंस सिमिलर i3 में भी मिल रहा है, i5 में भी मिल रहा है और i7 में भी मिल रहा है तो लोग i5 क्यों लेते हैं, i3 ना ले लें, पैसे बचा सकते हैं और जो पैसा बचा हुआ उससे और अच्छा ग्राफिक्स कार्ड भी ले सकते हैं तो और अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं वो अब बात करते हैं। आपने कभी भी बेंचमार्क देखा होगा i3 वर्सेस i5 का? गेमिंग परफॉर्मेंस में दोनों सिमिलर परफॉर्म करते हैं। अब चाहे वो आप एवरेज ले लें चाहे 1% लोज ले लें, लेकिन ये एक आधी चीज है, बाकी की आधी चीज वो आपसे छुपाई गई है। वो क्या है? वो है 0.1% लोज। अब ये क्या है? एवरेज दोस्तों दर्शाता है कि आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसा रहा। 1% आपको ये दिखाता है कि आपको गेम्स में स्टटरिंग देखने को मिली है कि नहीं, और 0.1% ये दिखाता है आपको क्या आपको ओकेजनली स्टटरिंग देखने को मिली है कि नहीं। यहाँ पर 0.1% लोज कहीं पर भी नहीं दिखाए जाते। अगर मैं आपको 0.1% इन लोगों का दिखाऊं तो आपको पता चलेगा कि जो i3 है वहां पर आपको काफी कम 0.1% लोज मिलते हैं अगर आप i5 से कंपेयर करें। तो यहाँ पर ये चीज पता चल जाती है कि अगर आप i3 को एक डिसेंट से ग्राफिक्स कार्ड के साथ पेयर कर देते हैं तो जो आपको परफॉर्मेंस है वो तो अच्छा मिलेगा, लेकिन कभी कभी आपको ओकेजनली स्टटरिंग देखने को मिल जाएगी जो कि काफी लोग के लिए डील ब्रेकिंग है। अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं या आप अपने ओपोनेंट को बीट कर रहे हो और उसी टाइम अगर गेम ओकेजनली स्टटर कर जाए या लैग कर जाए तो आप गेम हार भी सकते हैं। तो जो गेमर्स होते हैं इसीलिए वो i5 रिकमेंड करते हैं क्योंकि i5 में उनको काफी स्टेबल परफॉर्मेंस मिल जाता है। i5 दोस्तों एक काफी स्वीट स्पॉट है, i3 सस्ता है और i7 महंगा, लेकिन i5 जो है वो एक लगभग स्वीट स्पॉट है। ना आपका पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है, ना आपको परफॉर्मेंस कम मिल रहा है पैसा बचा के। नाउ दूसरा रीजन दोस्तों ये है कि गेमर्स जो होते हैं वो साइड में स्ट्रीमिंग भी करते हैं। अगर आप अपने बिल्ड के लिए i3 लेते हैं तो पहले तो आपको ओकेजनल स्टटरिंग देखने को मिलेगी। दूसरी चीज, जब आप स्ट्रीमिंग करेंगे तो उसका परफॉर्मेंस और ज्यादा गंदा हो जाएगा, तो ओकेजनल की बजाय आपको हर कदम पे स्टटरिंग देखने को मिलने लगेगी। तो दूसरा रीजन दोस्तों यही था कि आप स्ट्रीमिंग भी नहीं करते i3 पे, तो यहाँ पर i5 इसमें भी आ गए हैं। तीसरा रीजन दोस्तों ये है, आप गेमिंग को हटा दें, आप कोई भी दूसरा काम कर ले, मैं मानता हूँ वीडियो रेंडरिंग करेंगे या दूसरे CPU हैवी मल्टीटास्किंग अगर आप करना चाहेंगे तो वहां पर दोस्तों आपको i3 काफी ज्यादा गंदा परफॉर्मेंस दे देता है।
लेकिन मैं ये नहीं कह रहा वहां पर i5 आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा, लेकिन फिर भी एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दे दे। तो दोस्तों यही कुछ रीजन था जिस वजह से गेमर्स आपको i5 रिकमेंड करते हैं इंस्टेड ऑफ i3। लेकिन फिर भी i3 मैं मानता हूं एक बुरी चॉइस नहीं है। अगर आप मीडियम से लो सेटिंग पर गेम्स खेलते हैं या ज्यादा हैवी ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगा रहे हैं, आप ऑनलाइन गेमिंग नहीं करते हैं या बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली गेमिंग नहीं करते हैं, तो i3 आपके लिए बहुत है मैं मानता हूं। वेल तो दोस्तों यही था इस वीडियो में। वेल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो पहले जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।